जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के वीज़ा को लेकर। दोस्तों अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आप उसमें समझ सकते हो, हमने आपको बताया था कि आप श्रीलंका का वीज़ा किस प्रकार से ले सकते हो। हाँ जी दोस्तों, श्रीलंका का वीज़ा लेना बिल्कुल ही आसान है, आप कुछ ही एक या दो घंटे में श्रीलंका का वीज़ा ले सकते हो। और हाँ जी दोस्तों, श्रीलंका का जो वीज़ा है लेना बिल्कुल ही आसान है, आप घर बैठे श्रीलंका का वीज़ा ले सकते हो। कल मैंने दोस्तों आपको जो फार्म था ऑनलाइन फिल करके बताया था, और आपको बता दें कि दोस्तों जो हमने कल वीज़ा श्रीलंका के लिए अप्लाई किया था, वो वीज़ा केवल सिर्फ 4 मिनट के अंदर हमारे पास आ गया है, अप्रूव्ड हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि हमने 3:11 पर जो हमारा फार्म था वो सबमिट किया था, लेकिन जैसे ही हमने 3:15 पर देखा तो हमारे पास मेल आ चुकी थी, हमारा जो वीज़ा था वो अप्रूव्ड हो चुका था, उसके जो कॉपी है वो हमारी मेल पर आ चुकी थी। तो मैं दोस्तों एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ये है वो कॉपी। हाँ जी दोस्तों, ये देखो आप, ये है वो कॉपी। तो आप देख सकते हो दोस्तों जो हमारा वीज़ा है, और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा वीज़ा है। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो जो हमारे वीज़े की कॉपी है। तो आपको बता दें कि दोस्तों जो श्रीलंका का वीज़ा लेना बिल्कुल ही आसान है, कुछ ही मिनटों में। हाँ जी दोस्तों, आप अब तो मान सकते हो मेरे को जो वीज़ा मिला केवल 4 मिनट के अंदर श्रीलंका का वीज़ा मिला है। मैंने अप्लाई करे हुए केवल 4 मिनट ही हुए थे, और जैसे मैंने अप्लाई करके 4 मिनट बाद देखा तो मेरे पास जो मेरा ई वीज़ा था वो मेरे पास आ गया, जो हमारा फार्म था या ETA था वो अप्रूव हो गया। हाँ जी दोस्तों, अब की बार जो श्रीलंका है, इतना जल्दी वीज़ा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत सी वीडियो देखी थी, वो बोल रहे सभी बोल रहे थे 1 से 2 घंटा लगता आपको वीज़ा लेने के लिए, 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी मेल पर वीज़ा है ETA है वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे साथ बना है, मैं आपके साथ जो मेरे साथ हुई है वो रियलिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो अपना वीज़ा अप्लाई किया था 3:11 पर अप्लाई किया था, और 3:15 पर मेरे को अप्रूवल नोटिस आ गया। हाँ जी दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, तो मेरे को करनी है टिकट बुक। का वीज़ा लेने का मेरा जो पर्पज़ है, खासकर यही पर्पज़ था कि मैं वहाँ पर रामायण से जुड़े, जैसे लंका, रावण की लंका कहाँ है, कैसी है, क्या उसके आज भी कुछ देखने को मिलते हैं, जो हमारी सीता माता थी वो कहाँ पर रखी गई थी। तो कुछ दोस्तों ये मन में ऐसी ऐसी इंटरेस्ट चीज़ें हैं, उनको भी हम जान पाए, तो इसलिए दोस्तों मैंने श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई किया है। तो दोस्तों इस प्रकार की इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।